स्वागत यार एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार है क्योंकि यार आज हमारा दो आशिक का दो रोको लगे अंदर काफी ज्यादा जोरदार फाइट कराने वाले, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तो देख सकते हो यार ये है हमारे दो रोको, और दोनों को यार हम जल्दी जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं इनके अंदर में क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो पहले निकल जाता है हमारा बिग रोको, ओहो जो कि गजब का देखने को मिलता है। ओ माय गॉड ये लोग कितना बड़ा हो, इसके अंदर में इस प्रकार का एक चार्जर देखने को मिल जाता है, इस प्रकार की लिथियम की बैटरी देखने को मिल जाती है, और इतना बड़ा हमें रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है जो कि काम करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर। और अभी इसको भी निकाल लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो गजब की चीज़ है ये भी, ओ माय गॉड देखो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहे हो। इसके अंदर भी हमें इस प्रकार की बैटरी और चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि बैटरी इसके अंदर हमने पहले से लगा रखी है और चार्जर हमने पहले से अलग बाहर निकाल दिया है। और देखो कितने दोनों शानदार लग रहे हैं। तो जल्दी से हमें एक एक बार दोनों की साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये दोनों है हमारे आशिका, इनको रखते हैं साइड में और देख सकते हैं इन दोनों का रिमोट कंट्रोल बिल्कुल ही अलग अलग है। ये देखो बिल्कुल यूनिक लग रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलता है और उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी शानदार है। और ये तो बिल्कुल ही अलग है, इसमें देखो यहाँ पर एक बटन देखने को मिलता है जिससे कि स्मोक फायर होती है, और इसका जो स्टेयरिंग व्हील है ना ये भी काफ़ी शानदार काम करता है, यानी स्टेयरिंग को घुमाने वाला काफ़ी इसमें जाता है। इन रिमोट को रखते हैं साइड में और आते हैं हमारा दोनों रोको के ऊपर। तो देख सकते हो यार मुझे इसकी बिल्ड एंड क्वालिटी काफ़ी शानदार लग रही है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और इसकी भी ये प्लास्टिक है और इसके यार ये मेटल के देखने को मिल जाता है। ये US आर्मी का और ये हमें सिंपल सा रोकोलर देखने को मिल जाता है। दोनों की यार व्हील की बात करें तो इसके थोड़े व्हील हमें बड़ा देखने को मिलता है जबकि इसके छोटे देखने को मिलते हैं, वो इसके ज़्यादा चौड़े हैं और इसके थोड़े पतले। बाकी दोनों ही चलने में काफ़ी शानदार चलते हैं, और देखो दोनों ही 4x4 काम करते हैं। और दोनों के अगर बैटरी की बात करें, दोनों की बैटरी यहाँ पर नीचे लग जाती है और दोनों के अंदर हमें लिथियम की बैटरी देखने को मिल जाती है, और दोनों ही 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। और इसके अंदर हमें लाइटिंग देखने को मिलती है जबकि इसके अंदर हमें पीछे से लाइटिंग देखने को मिल जाती है। अगर दोनों की साइज की बात करें तो दोनों की साइज थोड़ी सेम देखने को मिल जाती है, बाकी ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा देखने को मिलता है और ये काफ़ी ज़्यादा पतला देखने को मिल जाता है। लेंथ की बात करें तो दोनों की लेंथ सेम देखने को मिल जाती है, और बिल्ड क्वालिटी में तो सबसे ज़्यादा ये अच्छा है, ये थोड़ी लो क्वालिटी का देखने को मिल जाता है। और सस्पेंशन की बात करें तो इसके काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं और इसके थोड़े लो क्वालिटी का देखने को मिल जाता है। तो देख लेते हैं इनमें हमें कितना ज़्यादा टेस्टिंग में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। टेस्ट करते हैं हमारे दोनों रोक को लगाओ, देखते हैं इनकी टेस्टिंग में हमें कितना ज़्यादा मजा आता है। तो सबसे पहले हम टेस्ट करें इनकी क्लाइमिंग, और वो करें हमें 45 डिग्री क्लाइमिंग। वो देख सकते हो यार भाई कितनी शानदार क्लाइमिंग करें, और दोनों पास आ चुके हैं, दोनों के काफ़ी ज़्यादा टक्कर चल रही है, दोनों के व्हील जोरदार घूम रहे। ओ माय गॉड देखो ग्रीन वाला चढ़ चुका है, ब्लू वाला थोड़ा पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, और दोनों में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्लाइमिंग कर चुके हैं। और अब करें यार दोनों की हम ऑफ रोडिंग टेस्टिंग, और देखते हैं इनकी ऑफ रोडिंग में हमें कितना ज़्यादा मज़ा आता है। लेट्स गो, ये गया हमारा ग्रीन वाला खड्डे में, और साथ में पीछे हमारा ब्लू वाला भी आ चुका है, दोनों कितनी शानदार ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। और ये देखो हमारा ग्रीन वाला तो अटक चुका है, ब्लू हो तो आगे चला ही जा रहा है, देखो उसके कितना जोरदार व्हील घूम रहे, और हमने तोक के आगे रख दिया, यानी उठा के आगे रख दिया, वो देख सकते हो दोनों ही काफ़ी शानदार ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। वाह भाई क्या मज़ा आ रहा है। ओ अब तो यार देखो ब्लू वाला के टायर फंस चुके हैं, और ग्रीन वाला आगे चला जा रहा है, काफ़ी शानदार क्लाइमिंग। और अब हमें यार देखो अब हमें ब्लू वाला को तो भी आगे रखना पड़ा, नहीं रखना पड़ा यार, ये तो अपना आप ही चला गया, और देख सकते हो काफ़ी जोर की टक्के चल रही है। वाह देखो आगे पीछे चल रहे हैं, यानी यार दोनों में यार काफ़ी ज़्यादा पावर देखने को मिल जाती है। वो यार हमारा ब्लू वाला तो काफ़ी ज़्यादा महंगा था और ग्रीन वाला थोड़ा सस्ता था, दोनों में यार प्राइस का भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है, फिर भी यार दोनों की ऑफ रोडिंग में हमें कितना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। और गाइज अब हमारे ब्लू वाला से हम वेट लिफ्ट कराए, और हमने पीछे बांध दिया है ट्रक, और ट्रक के अंदर रख दिया हमें काली मिट्टी जो कि काफ़ी शानदार होती है, वो देख सकते हो आप नाने में काम भी ले सकते हो, उससे ये खींचे जा रहा है वो बिल्कुल आसानी से, ये काफ़ी आसानी से खींचे जा रहा है, एंड वेट लिफ्ट के मामले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है हमारा ब्लू रोकोलर। सेम टेस्ट हम अब ग्रीन वाले से भी कर रहे हैं, वो देखते हैं कि ये कर पाता है क्या। देख सकते हो ओ इसे तो काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन एक बार इसने रफ्तार पकड़ ली तो चले जाता है काफ़ी शानदार तरीके से इसने भी यार इस जो ट्रक है ना इसको खींच लिया। देख सकते हो यार इसके अंदर कितनी ज़्यादा हमने मिट्टी भर रखी है, यानी काली मिट्टी वो भर रखी है, ढगले रख रखा है और इसे खींचे जा रहा है। तो गाइस यार अब हम दोनों में करा रहे हैं यार ठग और वॉर, देखते हैं यार ठग और वॉर में कितना ज़्यादा मज़ा आता है, और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा जोर से लड़ रहे। ओ माय गॉड इनके व्हील देखो, व्हील कितने ज़्यादा धूल उड़ा रहे भाई। ओहो ग्रीन वाला काफ़ी ज़्यादा जोर से घूम रहा है, उसकी क्या उसके देखो कुछ कांटेदार जो नुकीला है ना उसके व्हील है जो कि काफ़ी शानदार धूल उड़ा रहा है, और ये भी धूल उड़ा रहा है यानी मिट्टी उड़ा रहा है, और दोनों में काफ़ी ज़्यादा जोर की टक्कर चल रही है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए
दोनों में यार सेम सेम पावर देखने को मिलती है, दोनों को ही काफ़ी जोर जोर धूल उड़ा रहे। और अब ये हमारा ब्लू वाला जीत चुका है, वो इसने ये खींच के ले जा रहा है, वो इसे पटकनी भी दे दी है, वो पीछे खींच के ले गया यार, वो इसके घिंचाते घिंचा और ऊपर आकर भी बैठ गया यार, मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूं इसलिए। अब हम यार दोनों ही हमारे ब्लू और ग्रीन वाले के रेस करवा रहे हैं, वो देखते हैं इनकी रेस में कौन जीतता है। लेट्स गो, ये गया हमारा ग्रीन वाला आगे चल रहा है, अब ब्लू वाला आगे चल रहा है, दोनों दोस्तों दोनों ही काफ़ी ज़्यादा जोर से चल रहे। ओह माय गॉड, देखो देखो दोनों में कड़ाके की टक्कर चल रही है, और ये कभी आगे निकल जाता है ब्लू और कभी निकल जाता है ग्रीन, और ये जीत चुका है हमारा ब्लू वाला, ग्रीन वाला तो पीछे ही रह गया, इसमें ग्रीन हार गया। और गाइस अब हमारे ब्लू वाले की यार स्टीयरिंग कंट्रोल देखते हैं ये किस प्रकार से चलता है। तो देख सकते हो यार इसे हमें चलाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, यानी कि इसे यार स्टीयरिंग का जो राउंड बनता है ना गोल गोल घुमाने में, वो इसे इसके अंदर थोड़ा कम बन रहा है, जबकि हम देख सकते हो काफ़ी शानदार चल रहा है, और इसे टेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि आगे पीछे काफ़ी आसानी से हो सकता है, और ये यार 4x4 है तो चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। देखो कितना शानदार आगे पीछे चल रहा है, और इसे आगे पीछे लेने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, वो टेस्टिंग कितनी शानदार भाई, ओहो मजा आ गया। और अब हम यार हमारे ग्रीन वाले से भी टेस्टिंग कर रहे हैं, वो देखते हैं इसकी टेस्टिंग किस प्रकार से चलती है। वैसे दिखने में इसका लुक बिल्कुल ही अलग है, ओहो ये देखो ये काफ़ी शानदार चल रहा है, बस यार एक कमी है इसके अंदर, इसका राउंड बहुत बड़ा बन रहा है, घूमने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इनको वो जो चक्रा होता है ना वो चक्कर बहुत ही बड़ा बन जाता है, ओ ऐसे तो हमारे किसी की टक्कर ही लग जाएगी इतना घुमाने में, तो अगर समस्या आ जाएगी तो देख सकते हो इसे घूमे, और इसके हमने पीछे चला दिया स्मोक, और अभी दे आज ये दिन है ना इसलिए इसका स्मोक हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और स्मोक के साथ में हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, और उसमें भी यार इसे चलाने में कोई दिक्कत सामना नहीं करा, बिल्कुल आसानी से चल रहा है देख सकते हो स्मोक का चलाने के बाद भी, और आगे पीछे लेने में भी ये काफ़ी सिंपल साथ चल जाता है। वाह, और लाइटिंग गजब की चल रही है इसके, यार रात में वो टेस्टिंग करते ना मज़ा आ जाता, वाह एक नंबर का। तो गाइस अब हमारा ब्लू रॉक रोलर की हम देख रहे हैं रेंज, वो देखते हैं इसके अंदर में कितनी ज़्यादा रेंज देखने को मिल जाती है। तो ये जा रहा है हमारा काफ़ी दूर चला गया, लगभग ये 20 से 25 फीट जा चुका है, और अभी भी चला जा रहा है, देख सकते हो यार रिमोट कंट्रोल काफ़ी फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, और ये जा सकता है लगभग 60 से 70 फीट ही जा सकता है। और अब टेस्ट करते हैं हमारे ग्रीन वाले का, वो देखते हैं इसके अंदर हमें कितनी ज़्यादा रेंज देखने को मिल जाती है। तो लेट्स गो, ये गया हमारा ग्रीन रॉक क्रॉलर, वो देख सकते हो काफ़ी तेज़ी से चला जा रहा है, ये लगभग जा चुका है 25 से 30 फीट, वाह और अभी तक चला जा रहा है भाई, इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा रेंज देखने को मिल जाती है भाई, वाह एक नंबर का रॉक क्रॉलर देख सकते हो कितना स्मूथ चल रहा है, और ये अभी जा चुका है 60 से 70 फीट, और अभी भी आगे चला जा रहा है, लगभग यार इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती लगभग यार 80 से 90 फीट तो आराम से देख सकते हो यार, वाह यानी रेंज के मामले में ये जीत चुका है भाई एक नंबर का। तो कह सकते आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, हम मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।